नमस्कार, स्किल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट गुरप्रीत। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल ऐप की मदद से ही अपनी पीएलआई का प्रीमियम पे कर सकती हैं। उसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले, जिसमें एक कमेंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। उसमें आपने मुझसे पूछा है कि अगर आप पीएलआई की 6 महीने की या फिर 1 साल की एडवांस पेमेंट कर देते हैं प्रीमियम की, तो आपको कितनी रिबेट मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने आया हूँ कि अगर आप अपनी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम की एडवांस पेमेंट कर देते हैं, 3 महीने, 4 महीने, 1 महीने, 2 महीने या फिर 1 साल की आप एडवांस पेमेंट कर देते हैं, तो आपको कितनी रिबेट मिलेगी। तो दोस्तों, ये बताने के लिए मैं आपको अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल ऐप के अंदर लेकर जाऊंगा। वहीं से ही आप जान सकते हैं कि एडवांस पेमेंट करने पर आपको कितनी रिबेट मिलेगी। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन में लेकर जाता हूँ और जान लेते हैं कि एडवांस पेमेंट पर आपको कितनी रिबेट मिलेगी। तो यहाँ पर हम अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन में पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि नई आईपीपीबी ऐप का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। और इस इंटरफेस के बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप आईपीपीबी के थ्रू पीएलआई की एडवांस पेमेंट करते हैं तो आपको कितनी रिबेट मिलेगी। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप आईपीपीबी के थ्रू अपना पीएलआई प्रीमियम पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। माई सर्विस के अंदर आपको पोस्ट ऑफिस सर्विस की ऑप्शन मिल जाएगी। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, और दूसरे नंबर पर लिखा है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो चलिए इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगी पे प्रीमियम, दूसरे नंबर पर ऑप्शन मिलेगी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, थर्ड ऑप्शन है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, फोर्थ ऑप्शन है माय पॉलिसी। तो यहाँ पर आपने पे प्रीमियम के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पे प्रीमियम के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ एक इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। इसके ऊपर यहाँ पर येस के ऊपर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप येस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पॉलिसी है आपके सामने आ जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी पोस्ट ऑफिस के अंदर 2 PLI पॉलिसी चल रही हैं। तो यहाँ पर मैं किसी एक का प्रीमियम आपको पे करके बता देता हूँ। तो जो सेकंड वाली पॉलिसी है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर मैं पिछले मंथ भी इसी ऐप के थ्रू मैंने प्रीमियम पे किया था, तो इसलिए मेरी जो डिटेल है, दोनों ही पॉलिसी की डिटेल यहाँ पर मेंशन की हुई है, और कितना प्रीमियम बनता है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो अगर मैं इसी पेमेंट को रिपीट करना चाहता हूँ, तो नीचे रिपीट पेमेंट के ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैंने रिपीट पेमेंट के ऊपर क्लिक किया, मेरे सामने मेरी पॉलिसी की सारी डिटेल खुलकर आ गई है। आप यहाँ पर अपनी पॉलिसी की सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो 1 महीने का प्रीमियम है वो बनता है 4,750 रुपीज़, और नीचे उसकी जो डिटेल दी गई है, और यहाँ पर नीचे GST की इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। तो जैसे ही मैं इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर नीचे एक पेंसिल का सिंबल दिखाई देता है, और यहाँ पर नीचे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 1 दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। एक इंस्टॉलमेंट को आप चेंज करके 6, 12 या 24 जितनी भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, 3, 4 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेंज करके देखते हैं कि अगर हम 6 इंस्टॉलमेंट इकट्ठी पे कर देंगे तो हमें कितनी रिबेट मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर प्रीमियम रिबेट की भी यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रही है। तो यहाँ पर हमें हमें कितनी रिबेट मिलेगी उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नीचे जो है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इसको चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेंसिल के आइकन के ऊपर क्लिक कर लिया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मैं यहाँ पर 6 एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने 6 एंटर किया और कंटिन्यू बटन के ऊपर नीचे क्लिक किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है उसकी डिटेल फिर से खुलकर आ गई, और हमारा जो 6 मंथ का जो प्रीमियम बनता है वो बनता है 28,500, और यहाँ पर मुझे जो रिबेट मिलती है वो मिलती है 285 रुपीज़ की। तो अगर आप इसको पे करना चाहते हो तो यहाँ पर नीचे कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद पेमेंट कर सकती हैं। इसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि आप 12 पेमेंट यानी कि 12 इंस्टॉलमेंट इकट्ठी कर देंगे तो आपको कितनी मिलेगी, तो उसके लिए अब यहां पर आपने नीचे फिर से पेंसिल के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर इसको दोस्तों ये एडिट बटन है, तो जैसे ही मैंने इस एडिट बटन के ऊपर क्लिक किया, तो यहां पर हम 6 की जगह 12 इंस्टॉलमेंट फिल कर देंगे। तो जैसे ही मैंने 12 इंस्टॉलमेंट फिल करने के बाद नीचे यहां पर कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक किया,
तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है उसकी डिटेल एक बार फिर से ओपन होगी और हमारी जो एक साल की जो प्रीमियम है यानी कि जो 12 इंस्टॉलमेंट अगर हम इकट्ठी देंगे तो उसका जो टोटल प्रीमियम बनेगा वो बनेगा 57,000 और उसकी जो हमें रिबेट मिलेगी वो मिलेगी 1,140 रुपीज यानी कि 1,140 रुपए की हमें रिबेट मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम 24 इंस्टॉलमेंट यानी कि 2 साल की इंस्टॉलमेंट इकट्ठी पे कर दें तो हमें क्या फायदा होगा। तो मैं फिर से एडिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने एडिट के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर 12 को हम डिलीट करके यहाँ पर 24 कर देंगे यानी कि हम 2 साल का इकट्ठा प्रीमियम पे कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 24 एंटर कर ली है और जैसे ही हम नीचे कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी पॉलिसी की डिटेल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो 24 इंस्टॉलमेंट है यानी कि हमारा जो 2 साल का प्रीमियम अमाउंट बनता है वो बनता है 1,14,000 और यहाँ पर हमें जो प्रीमियम रिबेट मिलती है वो मिलती है 2,280 रुपीज यानी कि 2,280 रुपए की हमें रिबेट मिल जाती है अगर हम 2 साल का प्रीमियम इकट्ठा पे कर देती हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आप 3 महीने का प्रीमियम इकट्ठा पे करेंगे तो आपको कोई फायदा होगा तो यहां पर मैं इसको एडिट कर लेता हूं और यहां पर मैं 24 के अलावा यहां पर इसको डिलीट करके 3 महीने की इंस्टॉलमेंट पे करके देख लेता हूं। तो क्या हमें 3 महीने की इंस्टॉलमेंट पे करने पर कोई फायदा होगा। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आपकी जो पॉलिसी है उसकी डिटेल यहाँ पर सामने आएगी और हमारा जो 3 महीने का प्रीमियम बनता है वो बनता है 14,250 रुपीज लेकिन हमें यहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्रीमियम रिबेट नहीं मिलती है। यानी कि दोस्तों अगर आप यहाँ पर प्रीमियम रिबेट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 6 मंथ का प्रीमियम एडवांस में पे करना होगा तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कोई नई नॉलेज आपको मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इसी तरह की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।